अस्सलाम वालेकुम। अव्वल 007 यानी मैं। इस वीडियो में RD का SMD वर्क स्टेशन जो आता है उसका अनबॉक्सिंग करूँगा। देख सकते हो RD का 850 मॉडल नंबर है। तो बॉक्स को मैंने खोला, इसमें एक यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। मुझे सब मालूम है, इसके लिए मैं नहीं पढ़ूँगा। इस पे एक थर्माकोल का दिया हुआ, उसे निकाल लेंगे। ये प्लास्टिक साइड में रखी हुई, मतलब पहले किसी ने इसे चेक किया हुआ है चालू है कि नहीं चालू है। इसके बाद मैं मशीन को बाहर निकाल लेता हूँ। इसमें एक ये दिया हुआ है, नोज़ल दिया हुआ है, ये पिन दी हुई है, इसका कुछ काम नहीं अपने को। और ये हैंडल होल्डर दिया हुआ है, इसे हमें फिट करना पड़ेगा। तो मशीन को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। इसका केबल मैं खोल लेता हूँ। खोलने में टाइम ले रहा है, इसके लिए मैं इसे कट कर दूँगा। ठीक है, अब हम इसके नोज़ल दिया हुआ है, इसे हम फिट करेंगे। तो सबसे पहले दिखा देता हूँ कि इसमें नोज़ल कौन कौन से है। 5 नोज़ल दिए हुए हैं। मैं ये वाला इस्तेमाल करना चाहूँगा, इसे मैं टाइट करूँगा, फिट करूँगा। तो मैं इसे टाइट कर रहा हूँ इस एक टेस्टर की मदद से। अब स्टैंड होल्डर जो है उसे हमें फिटिंग करना है। तो ये मैंने स्क्रू ड्राइवर ले लिया है, इसके लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ लगा सकते हो। मैं इसे राइट साइड लगाऊंगा, मैं इसे उल्टा लगा रहा हूँ। आप इसे जैसा मन चाहे वैसा लगा सकते हैं। होल्डर टाइट करने के लिए ब्लोअर को उल्टा करना पड़ेगा, तो मैंने इसे उल्टा किया। अब स्क्रू टाइट कर देंगे, 4 स्क्रू टाइट कर देंगे इसमें। ये मशीन बहुत अच्छी है, मैंने लोगों से सुना है इसके बारे में, अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, इसके लिए मैंने ये लिया। और मैं किसी मशीन का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यही मशीन ले, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ ये मैंने इस्तेमाल किया है, अच्छी मशीन है। मेरे दोस्त ने भी इस्तेमाल किया है, अच्छी मशीन है। इसके बाद इसका हैंडल जो है होल्डर पर रख देंगे, और जो बॉक्स में जो आए हुए सामान थे उसे वापस बॉक्स में डाल देंगे। उसके बाद अब मशीन को चालू करते हैं। हम लोग इसे ब्लोअर बोलते हैं, लेकिन इसका नाम SMD रिवर्क स्टेशन है।
तो मशीन मैंने चालू किया। इसमें एक एक टेम्परेचर के लिए दिया है, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए दिया हुआ है, और एक एयर को कंट्रोल करने के लिए दिया हुआ है। इसका एयर भी अच्छा है और हीटिंग भी अच्छी है इसकी। अब मैं एक काम करता हूँ, एक चार्जिंग सॉकेट निकाल के दिखाता हूँ इसे। तो मैं पेस्ट लगा लेता हूँ सबसे पहले। अब मैं इसे हीट कर रहा हूँ। तो ये सीसी निकल चुकी है, चार्जिंग सॉकेट निकल चुकी है। और कोई ऐसा दोस्त है जो ये इस्तेमाल करता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।